यो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखेंगे कैसे हम अपने आधार में पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर उसमें रजिस्टर्ड जो है। इससे दोस्तों हमारा एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि OTP भेजने से पहले ही हमको पता चल जाएगा कि आधार में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है और किस नंबर पे OTP जा रहा है। उससे हमको डाउनलोड करने में आसानी होगी। तो देखते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे जो आधार की रजिस्टर्ड वेबसाइट है उस पर आ जाना है, जो है रजिस्टर्ड UIDAI.gov.in। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है जिस पर हमको जाना है, माय आधार के अंदर जाके हमको सीधे वेरीफाई एन आधार नंबर में जाना है। यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों हमने। उसके बाद ये यहाँ पे हमसे हमारी डिटेल पूछेगा, हमको किस आधार में देखना है कि कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है आधार नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद सिंपली नीचे कैप्चा डाल दिया। कैप्चा डालते टाइम ध्यान रखना दोस्तों कैप्चा गलत ना हो। प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। ये यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है ये आधार एग्जिस्ट है, मतलब रिकॉर्ड में है। उसके बाद एज बैंड है इस पर 30 से 40 का, और ये मेरा मोबाइल नंबर दिखा रहा है यहाँ पे कि इसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके आखिरी के 3 अंक 313। ऐसा आप भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा नंबर जो है रजिस्टर्ड है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे आधार में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है।